आज मैंने परवल की काली मिर्च और प्याज वाली सब्जी बनाई है, जिसे बनाने की विधि मैं बताने जा रही हूँ। इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो परवल लिया है और मसालों में काली मिर्च और प्याज थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मैंने परवल के ऊपरी परत को हल्के हाथों से खुरचकर हटा दिया है और उसे स्लाइसेस में काट लिया है। इसके बाद मैंने टमाटर के टुकड़ों को छोड़कर बाकी प्लेट में रखे सारे मसालों को बारीक से पीस लिया है। इसके बाद मैंने गैस ऑन करके पैन बैठाया है और उसमें थोड़ा तेल डाला है। जब तेल गर्म हो गया है तो एक चम्मच जीरे का तड़का लगाया है। जब जीरा भूरा हो गया है तो उसमें सारे कटे हुए परवल के पीसेस डाल दिए और इसके साथ अंदाज से थोड़ा नमक भी डाल दिया है। जब परवल थोड़े भुन गए हैं तो पीसे हुए सारे मसालों को डाल दिया है और साथ में टमाटर के टुकड़ों को भी डाल दिया है। इसके बाद परवल में मसालों को अच्छी तरह से मिलाकर पैन के ढक्कन लगा दिए, जिससे मसाले और परवल अच्छी तरह से घुल मिल जाए। फिर ढक्कन को हटाकर मैंने परवल और मसालों को बराबर से भूनना शुरू किया है। मसाले के पानी परवलों के साथ मिलकर अच्छी तरह से सूख गए हैं, इसलिए भूनने में भी सुविधा हो रही है। अब परवल और मसालों को मिलाते हुए मैंने बराबर से भूना है, जब तक वे सुनहरे नहीं हो गए हैं। अब सब्जी भूनकर तैयार हो गई है।